22 आठ 2006 का वाटा का प्रतिदिन देवी राज्य आपका कृष्ण ने जन्म से दादी का वो दोनों को बोल रहे हैं वो भविष्य के लिए निकल हुआ तो कितने आत्मा ये खजन गाले खजन काया बने वाले ये 9,16,000 आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वरीय जन्म 9,00,000 का होता है या कम ज्यादा का होता है? 9,00,000 का तो होता ही नहीं ईश्वरीय। 4,50,000 जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं राधा कृष्ण के रूप में वो ईश्वर से जन्म लेते हैं क्या? नहीं, देवताओं से जन्म लेते हैं। ईश्वर से जन्म लेने वाले कौन है जिनका जन्म सिद्ध अधिकार है? उन्हें के लिए बोला है कि आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या सातरुण की बच्ची में गए, एक दिन आना एक दिन जाना, ये 9 दिन में गर्भ में तैयार हो गए और बाप का बच्चा बनकर के निश्चय बुद्धि पैदा हो गए। तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर एक बाप छोड़ के दूसरा बाप तीसरा चौथा बाप न बनाया, एक दर छोड़ के दर दर न भटके तो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर भटक गए तो जन्म सिद्ध अधिकार भी खलास हो जाता। जैसे कोई बच्चा होता है ना, करोड़पति का बच्चा हो और खुदा न खास्ता येन केन प्रकार कैसे भी कोई गरीब के घर में पलने लगे और उसको अपना बाप स्वीकार भी कर ले तो उसका जो जन्म सिद्ध अधिकार है पहले वाले बाप से वो मिलेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो गया। दूसरा बाप न बनाया हो तीसरा न बनाया हो तो जन्म सिद्ध अधिकार है। यहाँ भी बहुत से हैं जो बट्टी तो कर लेते हैं, बट्टी करने के बाद निश्चय बुद्धि भी बन जाते हैं, निश्चय पत्र भी लिख करके दे देते हैं, कोर्ट में लिख के दे देते हैं, यज्ञ के आदि में खून से लिख करके देते थे। क्या खून से लिखते थे? कहेगा आज में खून से लिखते थे तो जो आज में तो अंत में क्यों नहीं हुआ है? वो हद के खून से लिखते थे और अभी बेहद संकल्पों के खून से लिखते हैं। कोर्ट में जब लिखाया जाता है ना तो सोचना समझना तो पड़ता है ना, लिख के देते हैं कि हम बाप के बच्चे हैं, हम निश्चय बुद्धि हो गए। फिर कोई कोई तिरक जाते हैं, दर दर भटकने लगते हैं तो उनका मर्दा भी खराब हो जाता है। भटकते भी बाप के पास आ रहे थे, भटकते तो बाप के पास आ रहे थे, उतना थोड़ी प्राप्ति है, माफी नामा लिखना पड़ेगा ना है उनका तो उतनी प्राप्ति हो जाएगी जो कभी खंडित नहीं हुए और खंडित हो गए तो प्राप्ति से वंचित हो गए। ऐसे तो भटकते भटकते 2,500 साल में भी कितने भटकते हैं दूसरे दूसरे धर्मों में और भटकने के बाद फिर अंत में बाप के दरवाजे पर आ जाते हैं तो वो उतना ऊंचा वर्षा पाएंगे? वो 4,50,000 की लिस्ट में आएंगे? नहीं आएंगे। वो जन्म सिद्ध अधिकार नहीं पाएंगे। भटक गए तो काई की शूटिंग कर ली, कन्वर्ट होने की शूटिंग कर ली तो मतलब 9,00,000 पे भी आएंगे हैं? 9,00,000 पे भी नहीं आ सकते? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो 9,00,000 में है कि 2 करोड़ में है कि 10 करोड़ में है।
लेकिन इतना पक्का हो गया कि वो ईश्वरीय वर्ते से वंचित हो। हाँ, घटक के प्रत्यक्षता होने से पहले ही अगर वापस आ गए हैं और कुछ न कुछ पुरुषार्थ कर लिया, सेवा कर ली, तो कुछ न कुछ उजूरा तो मिलेगा। अब वो तो बाबा ने बोल ही दिया, जा रहे हैं कहाँ, हस्ती तो एक ही है, आना तो पड़ेगा ही। यदु के आगे में दूसरा माता कृष्ण बच्चे की तरफ चली गई तो पद प्राप्त नहीं कर सकेगी, नारी से लक्ष्मी नहीं बनेंगे दोनों, तो जो भी रुद्र माता के है नारी से लक्ष्मी का पद नहीं, लक्ष्मी पद नहीं प्राप्त करेगी। तो इसका मतलब जो भी रुद्र माता के मन के हैं जो स्त्री चले गए हैं वो भी लक्ष्मी प्राप्त नहीं करेंगे। क्योंकि आज में जो माता थी, दो माताएं थी और दोनों ने बाप का साथ नहीं दिया, तो आज में नहीं दिया तो अंत में भी जगन्नाथ जी महाराज टूटे के टूटे। भुजाएं टूट गई ना, अब दो ही तो हैं, एक लक्ष्मी पद पाने वाले और दूसरे जगदम्बा की भुजाओं के रूप में। या तो लक्ष्मी समान बनेंगी या तो जगदम्बा की भुजाएं बनेंगी। तो जो जगदम्बा की भुजा बनती है वो जगदम्बा प्रकृति माता का रूप है। क्या? प्रकृति माता कुदरत, और वो प्रकृति जब तमो प्रधान बनती है तो रावण की सहयोगी बन जाती है, उसको शास्त्रों में कहा गया मंदोदरी। कैसा उधर है बुद्धि रूपी पेट, मंद बुद्धि है, मंद उदरी, बुद्धि रूपी पेट मंद है, माना इतना ज्ञान उठाती है। यज्ञ के आदि में कितना ज्ञान उठाया, भक्ति मार्ग का उठाया या ज्ञान मार्ग का उठाया, कैसे जो भी ज्ञान उठाया वो सुनने सुनाने तक सीमित रहा, क्या बुद्धि से समझा, समझा नहीं। अगर बुद्धि से समझा होता, ज्ञान का मुख्य एक ही पॉइंट समझने का है कि बाप भगवान आया हुआ है, गीता का भगवान आया हुआ है, और वही पॉइंट बुद्धि में आज में भी नहीं बैठा, तो अम्मा की बुद्धि में नहीं बैठा तो बच्चे की बुद्धि में बैठेगा क्या? कृष्ण बच्चे की भी बुद्धि में नहीं बैठा। अच्छा, बड़ी अम्मा की बुद्धि में नहीं बैठेगा तो छोटी अम्मा की बुद्धि में बैठेगा क्या? है नहीं बैठेगा। इसलिए मुरली ने बोला एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। दिल्ली का परिवर्तन
सारी दुनिया का परिवर्तन। दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। दिल्ली के ऊपर साहब की नजर है, बाप की भी नजर। तो दिल्ली तो सबकी अम्मा है, सब धर्मों ने दिल्ली की गोद में राजी राजी किया है। तो माता गुरु बिगड़ सदगति नहीं हो सकती। वो तो सब ठीक, लेकिन ब्रह्मा की जो रात है, अज्ञान अंधेरे की रात, वो बुद्धि के कारण है। बुद्धि ऐसी मिली हुई है पूर्वजन के हिसाब किताब के कारण। कोई की तीव्र बुद्धि होती है और कोई की दल बुद्धि होती है। तो रावण के जो पांच सिर हैं, जिन्हें मंदोदरी के सिर कहा जाता है, वो बाप की पूरी पहचान बुद्धि में नहीं बैठती, आज में भी नहीं बैठी और अंत में भी नहीं बैठती। इसलिए बोला है, मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान सकते। जिस जगदम्बा का इतना बड़ा मेला लगता है, इससे जास्ती मिलन मेला और किसी ने मनाया ही नहीं भगवान बाप के साथ। कितना साथ किया होगा। उसकी बुद्धि में भी क्या नहीं बैठता कि गीता का भगवान कौन है। भगवान का प्रैक्टिकल स्वरूप कौन है, बाप को नहीं पहचाना। तो मेरे साथ रहने वाले भी मेरे को नहीं पहचान पाते। कौन बायलोरा डालता है, माया। माया के जो पांच सिर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पुरुष मुख और पृथ्वी जलवायु अग्नि, ये स्त्री मुख है। पृथ्वी जलवायु अग्नि इन पांच तत्वों से, आकाश से, जो पांच तत्व है उनसे शरीर बनता है। शरीर प्रकृति का पुतला है और आत्मा पुरुष है। तो रावण भी पुरुष रूप में दिखाया जाता है और उसकी स्त्री मंदोदरी दिखाई जाती है। पांच सिर स्त्री के, पांच सिर पुरुष के। ये माया रूपी रावण का रूप हो जाता है। संपन्न रूप तब बनता है कि जो सन 36-37 में प्रकृति माता बाप के पूरे कंट्रोल में थी, वो बाद में किसके कंट्रोल में आ जाती है, रावण के कंट्रोल में आ जाती है। माया रूपी रावण का पाम पेंट शो, स्वरक का डुप्लीकेट, गढ़ बना के खड़ा करती है। जैसे आज के गुरुओं ने ऋषिकेश में आश्रम बनाया, उसका नाम रख दिया स्वर्ग आश्रम। भक्ति मार्ग में अजमेर में नाम रख दिया स्वरक का मॉडल।
और उसका अधिष्ठाता ब्रह्मा को दिखाया। वो पुजारी आज भी पूजा कर रहे हैं ब्रह्मा की। वो भक्ति मार्ग में जो पूजा कर रहे हैं वो यादगार कहाँ की है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया की यादगार है। सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो माया रूपी रावण राज्य ने वो स्वर्ग का मॉडल बना दिया था। अधिष्ठाता कौन हुआ? ब्रह्मा। ये रावण जो है जब तक 5 सिरों वाला होता है तब तक फिर भी कम ताकत वाला होता है। क्योंकि मंदोदरी रावण का पक्ष नहीं लेती है शुरुआत में, लेकिन अबला है, इसलिए फिर भी रावण के मुट्ठी में आ जाती है। और जब माया और प्रकृति दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, क्या माया रावण और प्रकृति दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं तो ताकत दुगुनी हो जाती है। एडवेंस ज्ञान शुरू होता है, ईश्वरीय प्रयास फिर से होता है, जगदम्बा के उद्धार करने का। तो पहले पहले सरेंडर कौन होती है? जगदम्बा। लेकिन कागज में सरेंडर होती है या बुद्धि से सरेंडर होती है? कागज में सरेंडर हो पाती है, बुद्धि से सरेंडर नहीं होने देती माया। तो अगर फाउंडेशन में ही कच्चा काम कोई करे तो रिजल्ट क्या आएगा? कच्चा ही हो जाएगा। तो माया आखिरी ने एडवांस पार्टी को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए जो जड़ है उस जड़ को ही पकड़ लेती है। कौन है जड़? है वो जब मुट्ठी में आ जाती है, माया रावण अच्छी तरह गीता को खंडित कर देता है तो वो क्या बन जाता है? हैं? पहले भी ब्रह्मा के द्वारा क्या बना? बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा कहो, गांधी जी कहो, बेहद का, उन्होंने जो कुछ किया उसका किए हुए का रिजल्ट क्या निकला? और ये रावण राशि बन गया। वो तो आधार मुक्त जड़ों की बात है और अभी तो है, ये तो जड़ों के भी बीज है। एडवांस पार्टी में सब धर्मों के बीज इकट्ठे हुए पड़े हैं। थोड़ी सी मुट्ठी भर आत्माएं हैं क्या जो सूर्यवंशी है और बाकी सब रावण की मुट्ठी में। रावण उनकी बुद्धि को चलाए रहा है। चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, जो भी वंश है वो सब रावण की मुट्ठी लाए हुए पड़े। तो रिजल्ट क्या होगा? है क्या रिजल्ट होता है? दुनिया नरक बनेगी या स्वर्ग बनेगी? नरक बनती है। इसलिए कथाएं बना दी है शास्त्रों में।
कपिला देश की महारानिया, राजा उत्तानपाद की कथा, सुरुचि और सुनीति की कथाएं दिखा दी है। सुरुचि माने अपने रुचि पूर्वक चलने वाली और दूसरों को चलाने वाली, और सुनीति माने नीति नियम कानून पर चलने वाली, जो ईश्वरीय नीत नियम कानून है उन पर चलने वाली। तो यहां भी वही बात है, जो जगदम्बा और जगदम्बा की भुजाएं बनती हैं वो लक्ष्मी पर नहीं पा सकती, और जो लक्ष्मी को फॉलो करने वाली है विजय माला के मण के बनती है वो तो रुद्रमाला के मणके ही नहीं बन पाती, बाप के बच्चे राजा बच्चे नहीं बनते, क्या बनते हैं? रानी बनते हैं। तो फॉलो करने की बात है, जो जिसको फॉलो करेगा वैसा ही बनेगा। शिव बाबा को फॉलो करने वाले हैं रुद्रमाला के मणके, रुद्रमाला के मणके जो फॉलो करते हैं वो माला संसार में सिमरी जाती है, उसका गायन होता है, और बाद में जब वो माला विजय माला में ऐड होती है तो पूजी भी जाती है, क्योंकि विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं तो पूजनीय बनते हैं। जयंती माता का प्रश्न क्या था? जो भी रुद्रमाला के श्री शरीर वाले मंत्र हैं तो वो सब कभी भी इसी शरीर से वो लक्ष्य, अगर आत्मिक स्थिति वाले हैं तो राजा बनेंगे, अगर देवान की स्थिति वाले हैं तो चोला स्त्री चोला जो है वो बदल जाएगा, फिर कैसे बनेगी? बाबा माता जी पूछ रहा है, जब ब्राह्मणों के जरिए में अकाल पड़ता है ना तब तो क्या सच्चाई मिलता, तब हम क्या करें? अकाल पड़ेगा तब के लिए तो बताया, दुनिया जो है एक एक दाने के लिए भटकेगी, एक पानी का बूंद भी नहीं मिलेगा, और तुम बच्चे मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वो मेरे बच्चे, मनमत और मनुष्य मत पर चलने वाले हैं और रावण के बच्चे, फिर उनकी तो गारंटी नहीं। तो माता जी को चिंता है क्या? है? अकाल पड़ेगा तो क्या अभी अकाल नहीं पड़ रहा है? हैं? अभी भी अकाल पड़ रहा है, भारत की सरकार अकाल घोषित नहीं कर रही है लेकिन अकाल अभी भी पड़ रहा है। कहीं बहुत बरसात हो जाती है, कहीं पानी का बूंद नहीं पड़ता, तो अकाल हुआ ना। ब्राह्मणों के जन्म में ज्ञान की बूंद नहीं मिलता है बाबा, इसके बारे में? और तो बेहद के बारे में ही बोल रहे हैं, और हद में बोल रहे हैं क्या? हैं? कोई कोई ऐसी भी तो सेंटर्स हैं ब्राह्मणों के जहाँ ज्ञान का बूंद भी नहीं मिल रहा है, अज्ञान ही अज्ञान मिल रहा है। और यहाँ
बरसात हो रही एक ही सत्ता में दो दो बार बचा बाबा मोहन जब में परमधाम परमधाम सत्य बनेगा और दिल्ली में स्वर्ग बनेगा तो मोहन जब में रुद्र वाले रहेंगे और हाँ विजय वाले रहेंगे ऐसा है क्या स्वर्ग में जो विकारों पर विजय जिन्होंने पाए ली वो कहाँ रहने चाहिए और जिन्होंने विकारों पर विजय नहीं पाई बीच बीच में रौद्र रूप धारण करते रहते आंखें लाल पीली होती रहती है आंखें लाल पीली होंगी तो कर्मेंद्रियां भी ऊपर नीचे होती होंगी। बाबा ने कहा जिसमें क्रोध का अंश होगा क्रोध विकार होगा उसमें काम विकार का अंश जरूर होगा। तो जो कामी क्रोधी है जन्म जन्मांतर के राजाई का स्वभाव उनके अंदर भरा पड़ा है देवान वाला तो उन्हें तपस्या की जरूरत है या स्वर्ग में भेज दिया जाए तो तपस्या करो शांति में रहो क्या बार बार तपस्या करो बार बार परीक्षा ली जाए राज्य करो जाके राज्य करेंगे तो क्या होगा है अहंकार करेगा नहीं पांच विकार पड़ेंगे फिर नीचे गिरेंगे टपक कर राजा ही राज कर नरका बुद्धि नीचे गिरेगी फिर बाबा बुला लेंगे आओ फिर तपस्या करो बार बार देवान चल जाता है जल्दी देवान उतरेगा नहीं ज्यादा देहभान राजाओं में रहा है भारत के राजाओं में ज्यादा देहभान रहा है देहंकार रहा है या भारत की रानियों में देहभान ज्यादा रहा है जिन्होंने अपने को जलती हुई आग में जौहर कर दिया देहभान को उन्होंने जला दिया देह को ही जला दिया और राजाओं ने राजाओं ने खूब खून खराब कर दिया। यहाँ कौन सा देह को जलाने की बात है यहाँ है तपस्या में आत्मिक की स्थिति में रह करके देहभान को जलाने की बात। उनके लिए बोल दिया कि वहां हिस्ट्री में राजाएं निकले थे जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की और अभी रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। तो बाबा परमधाम में जैसे बाप रहता है और स्वर्ग में माँ रहती है इतनी दूर रहते हुए भी सिर्फ वाइब्रेशन से कृष्ण बच्चे का पैदा हो जैसे ही है वाइब्रेशन में ताकत नहीं होती है ताकत होती है धरती में ज्यादा ताकत होती है वाइब्रेशन से पैदा होता है धरती ज्यादा सूक्ष्म या वाइब्रेशन ज्यादा सूक्ष्म वाइब्रेशन ज्यादा सूक्ष्म होता है तो जिसमें जो ज्यादा सूक्ष्म होता है उसमें ज्यादा ताकत होती है या जो स्थूल होता है उसमें ज्यादा ताकत होती है। एटम कितना सूक्ष्म होता है आत्म आत्मा कितनी सूक्ष्म होती है और दोनों में कितनी ताकत है वो भौतिक एटम है और ये आत्मा है अभौतिक तो ज्यादा ताकत किसमें है आत्मा में ज्यादा ताकत है
देखो उस एटम से भी सूक्ष्म है। अणोणियां समनु स्मरेति है, वो एटम तो अणुरूप होता है, अणु अणु के हिस्से की जाते हैं तो एटम बनता है, और आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है। लेकिन वो सूक्ष्म शक्ति जिसने पकड़ ली, वो दूर बैठे आत्मा से बातें नहीं कर सकेगा है? कर सकेगा? तो दूर हुआ या नजदीक हुआ? नजदीक हुआ। दूर कहाँ हुआ? राजा महाराजा बनते हैं और अष्टदेव वो जा रहे हैं ना, है? उसको भी राजा का प्राप्त होता है, मिलती है। लेकिन जब नष्ट होना होता है तब मिलती है। जैसे सतयुग के अंत, त्रेता के अंत में उनको राजा ही मिलती है, त्रेता के अंत में राजा ही मिलती है। तो वो विनाश के निमित्त हुए स्वर्ग के, या स्वर्ग बनाने के निमित्त हुए? विनाश के निमित्त हो गए। त्रेता के अंत की सीढ़ियां जो है, वो सीढ़ी के चित्र में खंडित सीढ़ियां दिखाई गई हैं, खंडित जन्म। तो वो यहाँ भी जिन जिन धर्मों में कन्वर्ट होते हैं उन उन धर्मों के विनाश के निमित्त बनते हैं। क्या बाप को वो काम नहीं करना पड़ता? कौन करते हैं? तो वो ही करते हैं। सदगुरु निंदक था और न पावे। तो जो परमधाम इस शक्ति पर उतरेगा उसमें उनको लंबे समय तक नहीं रहने दिया जाएगा। कहाँ जाके सर्विस करेंगे? जो विनाशी धर्मखंड है, जिनका विनाश होना है, उन धर्मखंडों में जाकर के उनको ईश्वरीय सेवा करनी पड़ेगी। और उस ईश्वरीय सेवा में ये भी सेवा समाई हुई है, क्या? सब धर्मखंडों का बिना। तो जो जिस धर्मखंड का अधिष्ठाता होगा वो अपने धर्मखंड में विनाश का निमित्त प्रैक्टिकल में साकार बनना पड़े उसे। ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं, पहले बाप मानते हैं कि भगवान बाप आया हुआ, दुनिया को बताते हैं हमें भगवान मिल गया, फिर बाद में छोड़ के चले गए तो दुनिया क्या समझेगी? इनको भगवान बाप मिला या झूठी बात है? तो उन्होंने सर्विस की या डिसर्विस की? डिसर्विस कर दी। सदगुरु की निंदा कराई ना, तो सदगुरु निंदक ठौर निकाल। सदगुरु का ठौर कौन सा है? सुखदाम और शांति दाम। और लेकिन बाबा जो प्रेता का तीन शरीर है वो तो अक्सर असल में आने वाले बनते हैं। रतन में क्यों आने वाले बनते हैं? नाम के तीन शरीर जो है तो 76 में प्रजाति का। अच्छा, की ग्रुप की बात कर रहे हैं? हाँ, नष्ट देव। हाँ, तो वो अपनी सेवा करके दिखाएं, वो भी तो सेवा है क्या? पुरानी दुनिया का विनाश धर्म संस्थापनार्थ है, विनाशाय च दुष्कृतम्।
तो दुष्टों की दुनिया है वो खलास करना वो सेवा है या जिस सर्विस है वो भी सेवा है, तो वो काम उनको करना पड़ेगा, वो भी बाप के सहयोगी हुए या असहयोगी हुए, अंत में उतना ही उनको सहयोगी भी बनना पड़े, लेकिन वो सहयोग दूसरे किस्म का होगा। क्या तुम्हें ग्लानी करना अच्छा लगता है? बाप कहते हैं उनसे तुम्हें ग्लानी करना अच्छा लगता है, तो अब करो जिस धर्म में कन्वर्ट होते हैं उन धर्म पिताओं की ग्लानी करो, जाके उन धर्म करता हूँ, तब तुमको पता चले आटा दाल का भाव क्या होता है। लेकिन संकेत में जो बाप का सहयोग दिया, आग में जो सहयोग दिया है वो अंत तक सहयोग लेने के अधिकारी है। जब समय पर जो बीज बोया जाता है, जो फसल बोई जाती है, आज में बोई जाती है फसल वो अच्छी होती है, या जब समय निकल गया मौसम निकल गया बाद में बोई गई उसमें ज्यादा फल निकलता है? आज में जो बीज बोया जाता है वो ज्यादा फल देने का ज्यादा ताकत देता है। तो 76 में जिन्होंने सहयोग दिया, जब कोई सहयोगी नहीं था, क्या जब कोई सहयोगी नहीं था तब उन्होंने सहयोग दिया। पीढ़ी के चित्र में जो दिखाया हुआ है बैगर पड़ा हुआ है और विदेशी बिक दे रहे हैं, तो जिस उस समय जिन्होंने सहयोग दिया उस सहयोग की वैल्यू ज्यादा होगी, या मध्य में और लास्ट में जब ढेर सारे सहयोगी हुए तब सहयोग दिया, उनकी ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए? आज जिन्होंने सहयोग दिया उनकी ज्यादा वैल्यू होगी। जगदम्बा पहले सरेंडर हुई और आत्मा बाद में सरेंडर हुई, तो ज्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए? जगदम्बा की ज्यादा वैल्यू हुई, ज्यादा ताकतवर हो गई। और जो बाद में सरेंडर हुई वो तो जगदम्बा को देख करके सरेंडर हुई, नहीं तो इतने भगवान निकलते हैं, कितने भगवान निकलते हैं, ढेर सारे भगवान बन के निकलते हैं, बिन गेरे हम तेरे कितने बनते हैं, बनते हैं क्या? नहीं बनते। कौन अपनी जिंदगी को सहारा करेगा? जगदम्बा की हिम्मत पहले, चलो जगदम्बा की ना सही, सरेंडर कराने वालों की सही, दिल्ली की माताओं ने ताकत लगाई, लेकिन किया तो ना तो नहीं किया। तो ऐसे ही जो यज्ञ के आदि में सहयोगी थे और नियम ही बता दिया विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करें, तो ब्राह्मण की दुनिया में जो बेहद के विदेशी है, दूसरे धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं थी, उन्होंने सहयोग दिया। तो जिन्होंने सहयोग दिया वो अंत तक सहयोग लेने के अधिकारी बन गए। बार बार ज्ञान लेते हैं, बार बार विरोध करते हैं। और बाबा बॉम्बे में समुद्र के अंदर थोड़ा मीठा पानी निकले बोल के पत्थर टीवी में न्यूज आया, क्या मीठा मीठा पानी बॉम्बे में, बाउंड्री की धरणी में मीठा पानी निकला? समंदर समंदर के अंदर से, अंदर से नहीं, समंदर में जो किनारा है वहाँ एक जगह में, एक जगह में बोरिंग किया गया है? नहीं बोरिंग नहीं, समुद्र का पानी ही मीठा हो गया, समुद्र का पानी मीठा हो गया। माहिम जगह में, माहिम में अरे वो बरसात बहुत हुई ना, तो बरसात का पानी इकट्ठा हो गया होगा। है न्यूज में तो बताया लोग प्रेयर करने के बाद वो मीठा पानी आया बोलते हैं, न्यूज में बताया अल्लाह में के जवाब जी जी।
और ओडिशा में एक मूर्ति है धूप दिया है ये सब अंधश्रद्धा की बातों से कोई ध्यान का कनेक्शन नहीं है। कोई भी कारण रहा होगा जो मन की बुद्धि से परे है। कौन सी भूत प्रेत लीला रही किसी को पता नहीं है, इसलिए चमत्कार को सत्कार करने लग पड़ते हैं। उनकी बात आप बता रहे हैं। भगवान ने बताया कि मेरे साथ रहने वाले नहीं पहचानते हैं, तो क्या बाप को साधारण समझ के ऐसा बुद्धि में आ जाता है? साधारण समझते हैं उनकी बुद्धि में ऐसे भावना आने के कारण। जैसे दुनिया की बुद्धि है वैसे उनकी बुद्धि है। कोई जरूरी नहीं है कि जो साथ रहते हैं उन्हीं का उच्च पद होगा, जो साथ में नहीं रहते हैं लेकिन बुद्धियोग से साथ हो तो उनका मुत उच्च पद नहीं बनेगा। बहुत से ऐसे हैं जो कंधे पे चढ़ के बैठे हुए हैं, बैठे रहे और बुद्धि में विपरीत संकल्प चलाते रहे, सन्मुख हुए या विमुख हुए? विमुख हुए। अंदर अंदर जो कचरा भर रहा है कभी न कभी तो बाहर निकलेगा। बाहर निकलता है तो विस्मृत हो जाता है, धरणी है, है? तो पृथ्वी कहती है और ग्रह उपग्रह भी है, बुध है, बृहस्पति है, मंगल है। उन दूसरे ग्रहों में ज्यादा पाप होते हैं या पृथ्वी पर ज्यादा पाप होते हैं? हैं? पृथ्वी पर जाती पाप होते हैं तो ज्यादा पाप होंगे। तो जो पाप बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वो ज्वालामुखी कभी फूटेंगे कि नहीं फूटेंगे? ज्वालामुखी फूटते हैं तो सब पूरी धरणी हिल जाती है। जब धरणी जोर से हिलेगी तो जो भी पापी है, बड़ी बड़ी मेहलमानिया आटारिया मल्टी मिलियन आयर है, उनका क्या हाल होगा? है जो ईश्वरी ज्ञान का तिरस्कार करते हैं उनका क्या हाल होगा? है मकान हिलेंगे तो गिरेंगे, गिरेंगे तो किसी की टांग दबी रह जाएगी, किसी की बांह दबी रह जाएगी, किसी की कमर दबी रह जाएगी, निकालने वाला कोई होगा नहीं। कौन किसको निकाले? चारों तरफ तो हाहाकार मचा हुआ है। अभी तो भूकंप आता है, देश विदेश के सेनाएं जुट पड़ती हैं और मलबे में से लोगों को जल्दी जल्दी निकाल लिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा जो भोगना भोगनी पड़ती है, एक दिन की, दो दिन की, चार आठ दिन की, पंद्रह दिन की, तो भी कोई कोई जिंदा निकल आते हैं। और वहां तो कोई कोई किसी को देखने वाला नहीं होगा, कोई किसी को निकालने वाला नहीं होगा। पड़े 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 तड़पते रहो, कराहते रहो, कितनी सजा खाते हैं। जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को महत्व दिया, ईश्वर का आए हुए ईश्वर का सम्मान किया,
मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार, भगवान की वाणी से प्यार किया, उन आत्माओं को कोई न कोई किसी न किसी तरीके से संरक्षण मिले बजे। जैसे बहुत कहीं कहीं होता है पूरी बिल्डिंग गिर गई और कोई बच्चा बिल्कुल जिंदा निकला आया, उसको खरोंच भी नहीं लगी, कोई आदमी जिंदा निकल आया, तुम्हारा प्रश्न का समाधान हो गया। और थोड़ा सा टाइम और 10 मिनट। बाबू ये कहते थे द्रौपदी का कितना संख्या होता है पूछ गए, लेकिन मैं उसने भी बात पलटा दिया डिस्कशन में। क्या द्रौपदी का कितना संख्या होता है पूछा है बाबा ने, उनका ध्रुव पद है। हाँ, वो कितना संख्या है, कितनों की संख्या होता है पवित्र माला कितनों की है? सवा दो लाख। सवा दो लाख में द्रौपदियाँ कितनी है? तुम सब द्रौपदियाँ हो, तुम सब सीताएं हो, हैं? बोला ना, तुम सब पार्वतियाँ हो। द्रौपदियाँ माने ध्रुव पद पाने वाली, जिनका पद पहले से ही निश्चित है कि इनको ये पद मिलेगा। सीता माने शीतल स्वभाव वाली, शीतला देवी। कहाँ शीतला देवी, कहाँ चंडिका देवी, जीत निकाली हैं, है विरोधी देवियाँ दिखाई हुई हैं। तो तुम सब सीताएं हो, शीत माने ठंडा सुना। तो उनकी संख्या कितनी है? तो ये 16,000 में आने वाली है वो कंटेंट का है, नहीं बनेगी। क्यों? अतिंद्रिय सुख भोग हो गएंगे, पंचम काय दूसरों की बनेगी। नहीं बाबा, वो ऐसा कि अंत तक उतरेंगे ऐसा बोला है ना? उतरेंगे तो नहीं बोला, ये तो आपने अपना शब्द लगा दिया। उतरेंगे बोला? नहीं ऐसे बोला कि उतरेंगे। हाँ सतयुग से त्रेता में उतरेंगे कि परम नाम से उतरेंगे? यही कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया। मैंने 16,108 की संख्या प्रिंस प्रिंसेस की त्रेता के अंत तक बनेगी, सतयुग के अंत में 16 ही प्रिंस प्रिंसेस होंगे। कितने होंगे टोटल सतयुग के अंत तक प्रिंस प्रिंसेस की संख्या? 16 होगी। और जब त्रेता होगा तो ढेर सारे प्रिंस प्रिंसेस होंगे, क्योंकि वहां ढेर राजाएं होते हैं, इसलिए त्रेता के अंत तक प्रिंस प्रिंसेस की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी दोनों युगों में? 16,108। इसे गलत क्या कर? नहीं नहीं, इसका मतलब वो शरीर छोड़ के परम नाम चाहेंगे ऐसा। अरे ये किसने कहा? 16,108 कंजन का बने राम वाली आत्मा त्रेता के आदि में बनेगी राजा? अच्छा राजपद प्रिंस प्रिंसेस दोनों में से कोई एक बनेगी, ऊपर से आएगी या नीचे से आएगी? सचिव से ही आएगी ना, तो दूसरे भी ऐसे ही आ रहे। कोई कोई ऐसे हैं जिनको वापस जाना पड़े? अब कौन से हैं ये तो अभी क्लियर नहीं है, क्लियर हो जाएगा। आदि पापात्मा और आदि पुण्यात्मा बचेंगे। बाबा भक्ति करके अभी वो नाच चोटे चले गए तो वो सारे साथ में रास्ते भी नहीं आएंगे ऐसा बोला ना? पर कोई ये ऐसे भी बोला है दो शब्द मुख से सुनने से वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। दो शब्द मुख से सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे, ये थोड़ा ही कहा कि 16 गलत संपूर्ण स्वर्ग में आ जाएंगे, ये कहा?
लक्ष्य देते हैं जो लक्ष्य लेने वाला लक्ष्य लेकर के बैठता है कि दसवीं बाप बनाता है, है? जैसा जिसने याद किया होगा तो अपनी अपनी याद के पुरुषार्थ के ऊपर है। बोलो 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 आपको समझ में नहीं आया बाबा इसलिए हैं आप समझ में नहीं क्या किस बात का वही जो दो शब्द मेरे से सुनेंगे लेकिन वो स्वर्ग में क्यों नहीं आएंगे लेकिन कब अब पहले आए बाद में आए जैसा जैसा जितने गुड़ जाना होगा उतना मीठा निकलेगा एक ही को जन्म लेंगे स्वर्ग में आवेंगे ये कहा जो 16,000 जो है स्वर्ग में आते रहते हैं त्रेता में आत्माएं राजगार में जन्म लेंगे ऐसा है ना जिन्होंने थोड़ी डिस्टर्बिस की होगी तो डिस्टर्बिस करने वाले क्या पहले जन्म में राजा ही राजघराने में आ जाएंगे क्या मन प्रजा में आ जाएंगे दास दास ही बनेंगे लास्ट में उनको कोट पतलून मिल जाएगा बहुत डिस्टर्बिस की अति की तो अंतिम जन्म में आ जाएंगे प्रिंसिपल बन जाएंगे मीडियम डे सर्विस की तो मध्य में आ जाएंगे थोड़ी थोड़ी डे सर्विस की थोड़ी थोड़ी डे सर्विस की तो सतयुग की आज में राधा कृष्ण के माँ बाप बन के दास दासी बन जाएंगे सबसे बढ़िया दास दासी कौन होते हैं माँ बाप सबसे बढ़िया दास दासी होते हैं और थोड़ा टाइम है बाबा माता जी पूछ रहे हैं थोड़ा थोड़ा अगर क्रोध किया तो बाप से दूर हो जाता है क्या तो अभी अगले चौहान में बता दिया ना पिछले साल जो क्रोध करने वाले हैं उनसे नहीं मिलेंगे उनसे मिलना ही बंद कर देंगे इसका मतलब किसी बात की मुरली में बोले हैं जो क्रोध करते हैं वो उस समय अपन को चांडाल समझे कि हम चांडाल पद की शूटिंग कर रहे हैं क्रोध नहीं कर रहे क्या कर रहे चांडाल बनने की शूटिंग कर रहे कितना सख्त क्यों बोल दिया अरे जो जैसा कर रहा है वो तो फल वैसे ही पाने वाला है किसी जन्म में पाने वाला है हम गाय के लिए दुर्वासा बने हम दुर्वासा बन गए माने लाभ हमने अपने हाथ में ले लिया हम अभी राजा बन के बैठ गए यहाँ राजा बनना है या आत्माओं की सेवा करनी है आत्माओं की सेवा करनी है सेवादारी बनना है और वो राक्षस बनने वाला वो अर्जुन का नहीं बनाते हैं
राक्षस वो अभी को क्रोध के बारे में बात की है ना, वो राक्षस बनाने वाला वो कंचन का है, नहीं बना राक्षस बनने वाले हैं ना वो, जो राक्षस बनने वाले हैं अभी चंदा जो बताया उनकी राक्षसी चेहरे हो गए, उनका कंचन का है वो, तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं या देवी देवता सारा धर्म के हुए हैं राक्षस बनते हैं माने दूसरों को दुख देते हैं ज्ञान लेने के बाद भी अगर दुख देते हैं, नहीं घर में बच्चा है ना पूरा मंच में नहीं ऊपर ऊपर उनका डांटना पड़ेगा क्रोध करना पड़ेगा वो अंदरूनी क्रोध थोड़े ही है, एक होता है अंदर का क्रोध और एक होता है ऊपर ऊपर का क्रोध, माँ बच्चों को डांटती है तो क्या अंदर से क्रोध होती है मर जाए गलती करते हैं ना, गलती करते हैं तो थोड़े समय के लिए ये हो जाता है ये सुधर जाए, नहीं मानता है डांट देती है भावना आती है मेरे को आत्मा प्रिय वाला ऐसे बोले ना पापा एक चैट में है कंचन का होते हैं, दिल वाले बच्चे प्रिय हैं, दिमाग वाले बच्चे प्रिय नहीं है, जो दिल वाले होंगे वो बाबा की श्रीमत पर आंख बंद करके चल पड़ेंगे, एक बार पहचान लिया ना कि हमारा बाप है फिर बुद्धि चलाने की थोड़ी जरूरत है कि इसने हमको गलत डायरेक्शन दिया होगा ये हमको गड्ढे में गिराना चाहता है, ये बाप भगवान नहीं है ये शैतान है, तो बुद्धिवादी हुआ या भावनावादी हुआ, बुद्धिवादी हुआ, दिल वाला है तो एक बार अर्पण हो गया तो हो गया तो हो गया, तन मन धन सब सब तेरा, जब एक बार कर दिया तेरा तो फिर मेरा बनाने की दरकार होती नहीं।